नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर अरुणाचल प्रदेश से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और इनकी कुछ मांगे हैं सरकार के समक्ष। जिस तरीके से हर जगह, देश हो या प्रदेश हो, कहीं ना कहीं आपको किसी भी रूप में भ्रष्टाचार देखने को मिल जाता है। प्रधानमंत्री जी कितना भी कह दें कि हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त बना रहे हैं और ये देश भ्रष्टाचार मुक्त एक दिन हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने पे भ्रष्टाचार आज भी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग आए हैं, इनका पहले नाम जान लेते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र तलंग, मैं इस संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेनर कम स्पोक्स पर्सन हूँ। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन हमारे संगठन है। नॉन रजिस्टर्ड जो हम लाइक माइंडेड सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो प्रताड़ित हुए हैं, जो एग्रीव्ड हैं, हम विक्टिम हैं अरुणाचल प्रदेश के, जो ये करप्शन नाम के जो महामारी है उससे हम ग्रस्त हैं। इसीलिए हम यहाँ दिल्ली जंतर मंतर में अपना जो मेमोरेंडम है, यहाँ अपना धरना देते हुए हम अपना प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और हमारे राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी को, उसके बाद जो हमारे बीजेपी पार्टी के जो पार्टी अध्यक्ष ये जेपी नड्डा जी को और जो अमित शाह जी को हम अपना जो मेमोरेंडम है, ज्ञापन है, जो हमारा दुख रोना है। क्या है आपका दुख, क्यों आए हैं आप, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? हमारे अरुणाचल प्रदेश में मल्टी करोड़ स्कैम हुआ है। मल्टी करोड़ मतलब 100-200 करोड़ का सिर्फ नहीं, हज़ार करोड़ का करप्शन, गफलाबाजी, भ्रष्टाचार हुआ है हर एक डिपार्टमेंट। अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा जहां करप्शन नहीं हो, स्पेशली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट मेनली। और हमारा जो मेन डिमांड है, एलिगेशन किस डिपार्टमेंट पर लगाए हैं, SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत जो फ्री राइस हमारे पब्लिक, तवांग के पब्लिक को मिलनी चाहिए थी, उस जो बीपीएल फैमिली के लोग थे उनको वो जो SGRY के तहत जो फ्री राइस मिलनी थी वो मिली नहीं। और कैंपा जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, कैंपा का स्कीम, उसमें भी स्कीम हुआ है 500-600 करोड़ का लगभग का गफला हुआ है। आपके पास इन चीज़ों के सबूत हैं, आप कह रहे हैं जिस प्रकार से, जी, सबूत का भंडार वहाँ पे पिटारा वहाँ खुल के रखा है हमने पंडारा बॉक्स को सबूत का। आपने इन सबूतों को मंत्रालय में नहीं दिए? नहीं, हमने। कितने सारे ऐसे संगठन हैं जो कि भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजते हैं, उन लोगों को नहीं दिए आपने? हम अरुणाचल प्रदेश से आए हैं। अरुणाचल में हम ऐसा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने स्टेट में भी प्रदर्शन किया और हम यहाँ आने की भी जहमत उठाई, जो हमने तकलीफ उठाई वो है हमारा प्रदेश, जो हमारा स्टेट में जो दुख, जो सटाए हुए लोग हैं, सारा 99.9% ऑफ पॉपुलेशन हमारे स्टेट में लगभग अप्रोक्स 15-16 लाख का पॉपुलेशन है। अगर 15-16 लाख पॉपुलेशन को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपका गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट, वो चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो है उस प्रदेश को चलाने का लायक नहीं है। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर, स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, उनको अपना पद से त्याग पत्र देना चाहिए, मॉरल ग्राउंड में रिजिग्नेशन मतलब देना चाहिए। एक मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं कि अपने जो राज्य को है वो संभाल नहीं पा रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है, उन सबको मुक्त नहीं कर पा रहा, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पा रहा है, इस वजह से आप चाह रहे हैं कि उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लगता है फिर कौन सा चेहरा है वहाँ पर? नहीं, चेहरा का बारे में हमको कोई अता पता नहीं, हम ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करते हैं, ना हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हमारा भ्रष्टाचार का एलिगेशन चीफ मिनिस्टर पर ही है, चीफ मिनिस्टर के ऊपर ही है, चीफ मिनिस्टर जब। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि मैं देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। उनका विचार नेक है, हम उनका विचार का स्वागत करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। जो हम हमारे प्रदेश में, दूसरे के बात तो हम नहीं करूंगा, अभी मैं फिलहाल अपना स्टेट का मुद्दा ही लेके आया हूं, तो हम अपने स्टेट के बारे में बात करूंगा।
हमारे प्रदेश में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड दिया जाता है वो फंड का ग्राउंड रियलिटी में जमीनी स्तर पर कुछ भी उसका जमीनी स्तर पर कुछ होता नहीं है। डेवलपमेंटल फंड का मिसयूज़ किया जाता है, मिस अप्रोप्रिएशन किया जाता है। आपको मैं हाल फिलहाल का एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे स्टेट का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अरुणाचल प्रदेश जो रिनाउंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट सिविल सर्विस कमीशन का बोर्ड ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जामिनेशन हेल्प करवाया। उस एग्जामिनेशन का पेपर जो पेपर है बाज़ार में मांस मच्छी के दाम में बिका गया, बेचा गया है 40 लाख 50 लाख में। जो यही एग्जामिनेशन जिसको हम विश्वास करते हैं, जिस बोर्ड के ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का कमीशन है उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, उस कमीशन ने ही उस बोर्ड में ही पेपर लीक हो गया, तो हम किस पर विश्वास करें? हम जो ग्रेजुएटेड होके जो कमीशन के ऊपर जो स्टेट का जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसके ऊपर विश्वास करके हम अपना जो इंटरव्यू जो अपना क्वालिटी को हम अच्छा नौकरी के लिए अच्छा परिवार बसाने के लिए मतलब आपको आपका कहना ये कि नौकरी में भी कहीं ना कहीं जो रकम दे रहे हैं उनको लगाया जा रहा है। जी उसमें नौकरी में भी इलीगल अपॉइंटमेंट होता है। अरुणाचल प्रदेश में हर एक डिपार्टमेंट में इलीगल अपॉइंटमेंट होता है, वो हम सबूत यहाँ में भी है। और हम अगर हम मेरा हमारा डिमांड ये है कि CBI सेंटर जो है, मोदी जी जो है और जो अमित शाह है और उनसे हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में CBI का इंक्वायरी करवाया जाए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का इंक्वायरी करवाया जाए ताकि पता चले करप्शन किस लेवल में है, तो कौन करप्शन कर रहा है। ईडी के समक्ष आप लोगों ने मांग नहीं करी? नहीं, ईडी तक हम अभी तक गया नहीं है। ठीक है, हम अभी प्रधानमंत्री से मिलने की अनुग्रह कर रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी जी से हम मिलने के लिए आग्रह पत्र दे रहे हैं। जब हमारी जो आग्रह है, हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमको विजिट करने का, उनको उनसे मिलने का हमें अनुमति दिया जाएगा, तब हम ये सबूत के साथ हमारा जो मेमोरेंडम है, ज्ञापन है, उसके साथ हम उनको सौंपेंगे। और हम ये नहीं होती आपकी डिमांड पूरी तो आगे क्या करेंगे आप लोग? हम जब तक CBI और ED हमारे स्टेट में रिकमेंड नहीं करेंगे सेंटर, तब तक हम इस मुद्दा पे हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारा जो मुहिम है वो आगे जारी रहेगा, हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम रुकेंगे। आप किस संगठन के तहत आए हैं? किस संगठन के तहत मतलब समझा? कोई पार्टी है आप लोगों की या कोई संगठन है, क्या है? हम संगठन है, हम लाइक माइंडेड पीपल है, हम प्रताड़ित हुए एग्रीव्ड लोग हैं, अरुणाचली हैं, हम अरुणाचल के सिटीजन हैं, इंडिया के सिटीजन हैं। जो डेवलपमेंटल फंड अरुणाचल प्रदेश को जाती है वो हमारे जो जनता है, इंडियन सिटीजन्स है, जो अरुणाचल प्रदेश के सिटीजन है, जो सारे भारतवासी के हर एक प्रदेश का टैक्स के पैसा से वो डेवलपमेंटल पैकेजेस बनाया जाता है, उस डेवलपमेंटल पैकेजेस का चोरी किया जा रहा है हमारे स्टेट में। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में चोरी हो रही है और ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी काम नहीं हो रहा। यानी कि आप लोग अगर ये डिमांड्स आपकी पूरी नहीं होती तो आप लगातार ऐसे धरने करते रहेंगे? जी।